प्रयागराज हत्याकांड के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई और उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, तो सैकड़ों मील दूर गुजरात के साबरमती जेल में बैठा उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और तब उसने अपने रहनुमा का नंबर घुमाया। माफिया अतीक अहमद एक सफेदपोश के संपर्क में था और मदद की भीख मांग रहा था। गौर करने वाली बात है कि अतीक की ये कॉल फेस टाइम कॉल थी, यानी अतीक अहमद के पास एप्पल का फोन है और वो जिस नेता से बात करने में लगा हुआ था उसके पास भी एप्पल का फोन है, लेकिन फोन कट गया। एक लंबे सिलसिले के बाद जब नॉर्मल कॉल की गई तो अतीक ने कुछ यूं गुहार लगाई, हेलो मैं अतीक बोल रहा हूँ, फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की माननी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। नेता ने फोन काट दिया। माफिया डॉन की यह हरकत अब उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की नजरों में आ गई है। यूपी पुलिस अब उस सफेद पोश की तलाश में निकल पड़ी है जिसका ताल्लुक इस माफिया डॉन से है। उमेश पाल मर्डर केस में एक सफेद पोश यानी किसी बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़े नेता एसटीएफ की रेडार पर हैं, जिनसे संपर्क में माफिया अतीक अहमद था। दो शूटर्स के एनकाउंटर के बाद माफिया मदद की भीख मांग रहा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा कि फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की मानी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने फोन काट दिया। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक। बेशक ये बात साफ नहीं हुई कि अतीक ने ये कॉल किसको की थी और अतीक की गुहार को सुनने वाला वो घाघ सियासतदान कौन है, मगर बात तो अब बढ़ ही गई। अतीक विशेष रूप से उमेश पाल की हत्या में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारों के प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। तो जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है सही है। अब इसमें तो अब पहली बात तो पुलिस इस बात को स्पष्ट करेगी ना कि कौन हत्यारे हैं। हत्यारों के खिलाफ चल रही है बुलडोजर, उसका स्वागत है। कुल मिलाकर के अभी सर कुल मिलाकर के अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से भी बड़े बड़े दर्जनों अपराधी यहाँ पर हैं, उनसे बड़े। जाहिर है यूपी एसटीएफ को अब अतीक के रहनुमा की तलाश है और सियासत को एक नए मुद्दे की। जो एक शेर बने हुए घूमते थे वो आने को तैयार नहीं है, उनका भाई अर्जी लगा रहा है हाई कोर्ट में, जो पूरा परिवार है वो भागा हुआ है या जेल के अंदर है। तो जो इस प्रकार का जब कानून व्यवस्था का इकबाल बना दिया है तो कार्रवाई तो हो रही है। उधर उमेश पाल की पत्नी जया ने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि खून का बदला खून से ही चाहिए। ये अतीक अहमद अशरफ और उनका बेटा, इनका खात्मा होना जरूरी है क्योंकि बाकी जो लड़के उनके साथ गुर गए थे तो वो तो बाद में अपने आप ही सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन तीनों का जब तक खात्मा नहीं होता है और शाइस्ता परवीन जो इसमें मुख्य भूमिका निभाने लगी है उनका भी इसी तरह से अंजाम होना चाहिए। उनको भी तक इस बात का इल्म नहीं है? नहीं, उन्हें सिर्फ यही पता है कि पापा हॉस्पिटल में है, बाकी बाबा जी पे छोड़ दिया है, वही मेरा न्याय दिलाएंगे मुझे। सवाली ये पत्नी थी उनकी, इनकी माँ भी हमारे साथ। हालांकि यूपी पुलिस की काफी खिरकिरी हो चुकी है, पुलिस की जांच नेपाल तक पहुंच चुकी है। देश के 5 राज्यों के 15 जिलों में हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। अपनी वर्दी पर दाग लगता देख पुलिस इनामी राशि में 0 बढ़ाने में देर नहीं कर रही और देखते ही देखते 50 से 5 लाख तक इनाम जा पहुंचा है, लेकिन शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।